नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं पूजा और आइए नजर डालते हैं खबर फटाफट पर। श्रीनगर में सेना द्वारा आयोजित एक इफ्तार पार्टी का अंत झड़प और गोलीबारी के साथ हुआ। झड़प में चार लड़कियां घायल हो गई जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। वेनेजुएला कच्चे तेल की आपूर्ति का भुगतान भारतीय रुपए में लेने को तैयार है। वेनेजुएला के नई दिल्ली स्थित राजदूत ने यह जानकारी दी। उसका कहना है कि ऐसा कर दोनों देशों को अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बचाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी के ताड़ो की पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोंदानार गांव में स्थित भाजपा सांसद विक्रम उसेंडी के फार्म हाउस को विस्फोट कर उड़ा दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के करीब 8 जिले भीषण आग की चपेट में है। भारी नुकसान के बाद अब चार धाम यात्रा पर आग का संकट मंडराने लगा है। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी में शरीक होने पहुंची थी। इस शादी के लिए उन्होंने विवियन वेस्टवुड सूट पहना था। यूं तो उनके इस लुक को काफी पसंद किया गया और इसकी खूब तारीफें भी हुई, लेकिन कई लोगों को यह पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर उन्हें इस लुक के लिए ट्रॉल भी किया गया। छोटे स्कोर वाले रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मार ली और आईपीएल के 11वें सीजन के सीधे फाइनल में जा पहुंची। चेन्नई ने 5 गेंदे शेष रहते 8 विकेट पर 140 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद को 2 विकेट से मात दे दी। कर्नाटक में मिली जीत ने विपक्षी पार्टियों में एकजुटता को लेकर नया जोश भर दिया है। इसी जज्बे के साथ विपक्ष ने 2019 में मोदी के विजय रथ को रोकने का फॉर्मूला तैयार किया। इस फॉर्मूले के जरिए देश के 13 राज्यों में 15 दल मिलकर 429 लोकसभा सीटों पर मोदी शाह के सामने पेच फंसा सकते हैं। 20 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराने वाली इस जोड़ी के सामने विपक्ष ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। मुंबई से गिरफ्तार किया गया कुख्यात हसन चिकना बोकारो एसबीआई बैंक से की थी करोड़ों की चोरी। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के संचालक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष प्रताप सिंह को बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ब्रांडिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। पद्मावत के बाद अब सलमान खान की फिल्म का विरोध किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि रिलीज नहीं होने देंगे लवरात्रि। सिंदरी के बंद पड़े खाद कारखाने को एक बार फिर खोला जा रहा है। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कारखाने का शिलान्यास करेंगे। सिंदरी हवाई पट्टी पर आयोजित जनसभा के दौरान पीएम मोदी इस कारखाना की आधारशिला रखेंगे। 6,500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इस फैक्ट्री का नाम हर्ल रखा जाएगा। रेलवे महिलाओं को कई नई सुविधाएं देने जा रहा है जिससे महिला कोच में सफर करने वाली महिलाओं का सफर आसान हो जाएगा। ट्रेन के हर डिब्बे में पैनिक बटन लगाया जाएगा। इस पैनिक बटन को गार्ड के कोच से लिंक किया जाएगा। साथ ही अब महिला कोच को सुरक्षित बनाने के लिए इन्हें ट्रेन के आखिरी में नहीं बल्कि बीच में लगाया जाएगा। हालांकि कोच के रंग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। चर्चा है कि महिला डिब्बों को गुलाबी रंग से रंगा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के करीब 25 विधायकों से व्हाट्सएप के जरिए 10-10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर विधायकों के परिजनों की हत्या की धमकी दी गई है। जम्मू सीमा पर 8वें दिन भी भारी गोलाबारी। इस बार एक साथ कई सेक्टर्स पर पाकिस्तान की फायरिंग, 4 और मौतें। बीएसएफ ने एहतियात इलाके से अब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। आईपीएल के 11वें सीजन के एलिमिनेटर यानी करो या मरो के मुकाबले में बुधवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच करो या मरो का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें हारने वाली टीम की टूर्नामेंट में चुनौती खत्म हो जाएगी। वहीं जीतने वाली टीम शुक्रवार को होने वाले दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। किसानों को उपज की बेहतर कीमतें दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर मॉडल कानून को हरी झंडी दिखा दी है। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन को भी कवर किया गया है। अभी की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।